तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल सॉरी सॉरी बबीता जी, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, वरना मैं जरूर आपकी मदद करता हूँ। बाय। पोपटलाल, तुम्हारे इस पाप की सजा तुम्हें तुम्हारी किस्मत देगी। पोपटलाल देखना, तुम्हारी शादी हो जाएगी। मेरा मतलब है तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। कितना निर्लज्ज आदमी है, चला गया ना बोल के। बबीता जी सॉरी। बबीता जी आप उदास मत होइए, पोपटलाल आपकी मदद नहीं कर सकता, पिंजरे में जाए, ये आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी मदद करेगा। बोलिए क्या क्या काम है, मुझे बोलिए, मैं करूंगा आपकी मदद, बोलिए। एक्चुअली जेठा जी, ये आपसे नहीं होगा। बबीता जी, ऐसा कौन सा काम है जो पोपटलाल कर सकता और मैं नहीं कर सकता? एक्चुअली जेठा जी, मेरा एक कजिन आया हुआ है कलकत्ता से, जिसको जर्नलिस्ट बनना है, तो मैं चाह रही थी कि पोपट भाई जरा उनको एक दो घंटे का टाइम निकाल के मदद कर देते ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता। बट अच्छा बराबर ये, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ वही तो, मैं रतन सिंह और लखन सिंह को छोड़ूंगा नहीं। किसे? मेरा मौसी के लड़के बचपन में मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ते थे, एक नंबर के मस्तीखोर, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं था उनका, और उनके संगत में मैंने भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। अगर तभी मैंने मन लगा के पढ़ाई की होती तो आज मैं पत्रकार होता और मैं आपकी आज मदद कर पाता ना। लखन सिंह, इट्स ओके जेठा जी, जस्ट रिलैक्स। नहीं बबीता जी, मैं ओके नहीं हूँ, कैसे ओके हो सकता हूँ? आपको अंदाजा नहीं है, आपकी मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ, उसका मुझे कितना कितना अफसोस हो रहा है। इट्स ओके, पर आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं बबीता जी, कर सकते हैं। एक आदमी है जो आपकी मदद कर सकते हैं। कौन? मेहता साहब, वो भी लेखक है ना, तो पत्रकार वाली लाइन हुई ना, मैं भी उनको फोन करता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके जेठा जी, मैंने मेहता साहब से भी बात किया था और आज शायद उनकी कुछ एक मीटिंग है, तो वो जरा जल्दी आज ऑफिस चले गए। ओहो अच्छा, कोई बात नहीं बबीता जी, एक काम कीजिए, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं अपने वो बचाओ कच्छ साइड में कुछ चक्कर चलाता हूँ, कोई ना कोई पहचान का पत्रकार निकल ही आएगा, तो फिर क्या है, मैं उनको फोन करके ये सब बताता हूँ और फिर कॉन्फ्रेंस में हम लोग बात करके आपको जो पूछना पूछ लेना। ओके सॉरी, एक्सक्यूज मी, फोन। अरे हाय आयगर। हाँ हाँ, नहीं क्या बात कर रहे हो? हाँ वाओ दैट्स नाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके बाय, सी यू। क्या हुआ जीठा जी? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आयगर ने एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ पहचान निकाली है और वो खुद मेरे कजिन को गाइड करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। ओके बाय। ओके बाय बबीता जी। आज समझ में आ रहा है पढ़ाई का महत्व, काश मैंने पढ़ाई की होती। अरे अरे टप्पू के पापा, आप अब तक कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? घर से तो काके निकल चुके थे, अब तक दुकान क्यों नहीं गए? तेरी राह देख रहा था कि अभी मेरी दया आएगी और मुझे कुछ न कुछ उठ पटांग टोकेगी, लेकिन तू तो आई ही नहीं। अरे आई तो सही, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। खैर तू किस तरफ चली? मैं चली रूपा मौसी की गली, उनकी बेटी पूजा की मंगनी तय हो गई। मैं चली लालो। मजाक कर रही है, वो क्या है, पूजा जी की मंगनी तय हो गई है ना, तो खरीदारी करनी है, तो हम लोग मॉल में मिलने वाले हैं, तो रूपा मौसी और पूजा जी मुझे वहीं मिलने वाले हैं। चल तुझे रिक्शा करा देता हूँ, चल। अरे हाथ क्यों छोड़िए, सब लोग देख रहे हैं। हाँ कौन देख रहा है, कोई नहीं, हाथ क्यों छोड़ो भाई, तो भगा के थोड़ी लाया हूँ, शादी करके लाया हूँ तुझे, तो चल अभी। अरे मुझे सारा भर रही है।
वाह पुपटलाल, निकल पड़ी। वाइफ के लिए शॉपिंग करने जा रहे हो? आज पहली बार मिसेस पोपटलाल के लिए कपड़े, कंगन, लिपस्टिक, साथ सिंगार की सारी चीजों की शॉपिंग करूंगा। काश बुलबुल भी मेरे साथ होती। खैर, वो दिन भी जल्द आएगा जब मैं और बुलबुल साथ मिलकर मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे। बुलबुल को स्टेशन में रिक्शा में बैठा कर ले जाना, रिक्शा वाला मिल गया है। अरे बजा घंटा लगा टंटा, फिर वो सरव नाम का है तोरा। बेचारा रिक्शे वाला, लेकिन जिसने उसको भगाया होगा उसका क्या हाल होगा? हाँ, हम मुंबई पहुंच गए हैं, अब बुलबुल को तो ढूंढ गए रहेंगे। पर तू क्या पूछ रहा हमसे? हाँ खट्टर नहीं कर रख फोन। अरे कब मिलेगी हमारी बेटी? दुनिया भर में अपना पावर दिखाए फिरते, आखिर किस काम का है ये पावर? हमें हमारी बेटी चाहिए। हाँ। अरे बुलबुल, अरे शांति रखो, भगवती लगा दो रहे पावर, अरे मिल जाएगा तुम्हारा बुलबुल। फोन लगाओ जी। हुकुम, इनकम टैक्स कमिश्नर के पुलिस कमिश्नर? अब तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? पुलिस कमिश्नर लगाओ। ये लीजिए। हेलो, बलदेव सिंह बोल रहे हैं कमिश्नर साहब? हाँ, हमारी बुलबुल तो मिलना भी चाहिए, साथ में वो आदमी मिलना चाहिए जो बुलबुल को भगा करके मुंबई लाया है। उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। पोपटलाल, निकल पड़ी हूँ। वाइफ के लिए शॉपिंग करने जा रहे हो? आज पहली बार मिसेस पोपटलाल के लिए कपड़े, कंगन, लिपस्टिक, साथ सिंगार की सारी चीजों की शॉपिंग करूंगा। काश बुलबुल भी मेरे साथ होती। कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में मैं और बुलबुल साथ में मिलकर मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे। ये अच्छी दुकान है, यहाँ चलता हूँ। आइए सर, आइए, वेलकम। सुनीता। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? माय सेल्फ पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। सॉरी भाई साहब, अभी इंटरव्यू नहीं दे सकते, बहुत कस्टमर्स है। अरे भाई, मुझे इंटरव्यू नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम लोग एड देने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। अरे मैं एड लेना भी नहीं आया हूँ। तो शॉपिंग करने आया हूँ, यहाँ इस दुकान में शॉपिंग हो सकती है? सॉरी, क्या खरीदना है आपको? हाँ बताता हूँ, क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, लिस्ट बनाया मैंने। ये देखिए, पहले कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना। गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, वाइफ के लिए। ओहो, वाइफ के लिए इतनी लंबी लिस्ट, लगता है आपकी नई नई शादी हुई है। आपका कॉस्मेटिक का सेक्शन कहाँ है? सर इस तरफ है, आइए आइए। वाह, ये तो बहुत बढ़िया लिपस्टिक है। सर ये लिपस्टिक नहीं, ये काजल है जो हम लोग आंखों में लगाते हैं। अच्छा अच्छा, वो दे दीजिए आप। वो भी बहुत सुंदर लगेगा मैडम को। बस आप ये पैक कर दो, ठीक है? एनीथिंग एल्स सर? हाँ, मुझे वो ड्रेसेस भी देखने हैं। अरे हाँ बिल्कुल, आइए सर, आइए 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 सर, आइए बैठिए सर। थैंक यू।
पहनेगा। थैंक यू थैंक यू। सर किस टाइप की ड्रेस दिखाओ? आई मीन किस टाइप की ड्रेसेस मैडम पसंद करेंगे? पता नहीं। आप एक काम कीजिए, आप अपनी पसंद के 3-4 बढ़िया ड्रेसेस दे दीजिए। अरे हाँ, अगर मैडम को पसंद नहीं आएंगे तो एक्सचेंज तो हो सकता है ना बाद में? हाँ हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा, बस आपको 7 दिन के अंदर आना पड़ेगा। 7 दिन के अगर मैडम को पसंद नहीं आया ड्रेसेस तो 7 मिनट में आके चेंज करके जाऊंगा। पैक करके नीचे भेज दीजिए। एनीथिंग एल्स सर? नहीं नहीं बस, और कुछ नहीं, वो बिल नीचे पे कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ आप बहुत हेल्प किया आपने मुझे। 11,400 सर। ओके ये लीजिए। अगर ये बैग्स लेके जाऊंगा तो सोसाइटी में सबको पता चल जाएगा, चेंज कर लेता हूँ। आप लोगों के पास कोई ऐसे बड़ा सा ऐसे नॉर्मल बैग होगा जिसमें ये सब ड्रेसेस में रख सको? हाँ सर दे दियो। सर मर गए। दया भाभीया भाई साहब, अब मुझे और 2-3 चीजें लेनी है, मैं जरा आता हूँ। श्योर सर श्योर। चलो ना अंदर चलते हैं। हाँ चलो चलो। आइए आइए दया बहन, बहुत दिनों के बाद। क्या देवा भाई, बहुत दिनों के बाद, अभी तो आई थी 1 साल पहले, सादा काकी के बेटे की शादी थी तो शॉपिंग करने आई थी ना। ओ हमें साड़ियाँ खरीदनी है। आप ही की दुकान है दया बहन, आइए। इतनी सारी साड़ियाँ है ना कि तू पसंद करते करते थक जाएगी। आइए दया भाभी के इंचो। ये रूपम मौसी है और ये उनकी बेटी है पूजा। पूजा की अभी सगाई होने वाली है तो उसके लिए एकदम अच्छी, एकदम महंगी लगे ना वैसी साड़ियाँ बताओ, लेकिन भाव थोड़ा कम होने चाहिए। अच्छा इस तरफ आइए। ये देखो मस्त कलर है। हाँ, शादी तो अभी 2 साल के बाद। हाँ। मासी सुना आपने, कह रही है 2 साल के बाद, बोलो इतना अच्छा चांस मिल रहा है। तो पता है हमारे सोसाइटी के पोपट भाई है ना, वो बेचारे कब से पढ़ू पढ़ू कर रहे हैं पर उनकी शादी ही नहीं हो रही है। कर ले बक्का। वो वाली दोनों नहीं, नहीं वहाँ पर है। नहीं तो पोपट भाई क्या हुआ दया? वो हमारी सोसाइटी के पोपट भाई ना, मैंने उनको देखा अभी, पर वो गायब क्यों हो गए? दया अभी तुम पोपट भाई का नाम ले रही थी ना, इसीलिए तुम्हें भास हुआ होगा। ये देखो ये साड़ी कितनी अच्छी है। मेरा थोड़ा ऐसा ही है, सॉरी। भाई और कोई नई डिजाइन आई हो वो बताइए ना। है ना, आओ ना।
पोपट भाई, पोपट भाई को मैंने फिर से देखा है। ओहो, तुम्हारा भ्रम होगा, साड़ी देखो ना। हाँ हाँ, क्या ये वाली? देख पुजारी कितनी मस्त साड़ी है, सगाई में तेरा वट पड़ जाएगा। मस्त है, पूरा पल्लू देखो मस्त। ये पल्लू क्यों नहीं आ रहा है? अरे दया देखो। हाँ मैसी। ये कितनी सुंदर साड़ी है। ये साड़ी इसमें कोई दूसरा कलर है? इसमें और कोई कलर नहीं है। मजा नहीं आ रहा है, उससे अच्छा तो ये कलर है। ये देख, अरे स्टैचू। अरे दीदी ये रहा स्टैचू। अरे भाई आपके यहाँ स्टैचू चलता भी है? दया देखो ये साड़ी कैसी है। हाँ ये दिखने में अच्छी है। बहुत अच्छी और बहुत रिजनेबल साड़ियाँ मिली है। अरे वो पतले से चश्मा और छाते वाले भाई साहब अपने कॉस्मेटिक बैग तो यहीं पे भूल गए। एक मिनट, उन्होंने जैकेट और राखोड़े रंग का शर्ट पहना था। हाँ हाँ हाँ, नहीं वहाँ पर है। उनका नाम पोपट लाल ही है। है ना, देखा मैसी, मेरा भ्रम नहीं था, वो पोपट भाई है। आप उन्हें जानती हैं दया बहन? हाँ जानती हूँ, वो मेरे गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। वैसे क्या भूल गए वो? कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह है, यही भूल गए हैं। ये देखिए, ये सब पोपट भाई ने खरीदा है। देवा भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं घर ही जा रही हूँ, उनको दे दूंगी। ठीक है, याद करके भूलिएगा नहीं। हाँ हाँ जी हाँ सर जी, हम लोग गुलबुल को ढूंढ ही रहे हैं जी। हम लोग घर जाकर नहा कर ड्यूटी पर वापस आ गए जी। हाँ, जैसे ही बुलबुल मिल जाती है हम आपको और बलदेव सिंह जी को खबर कर देंगे जी। सर क्या बलदेव सिंह जी मुंबई आ गए हैं और आपके सामने हैं? हाँ सर, जय महाराष्ट्र। यार ये बुलबुल को ढूंढने का बहुत प्रेशर हो रहा है, ऊपर से वो सरफिर का बाप मुंबई आ गया यार। फोटो ध्यान से देख, सच में इसी लड़की को तूने दुल्हन के भेष में किसी दूल्हे के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में जाते देखा था? यस सर, 100% यही लड़की थी। ठीक है तुम जाओ। यस सर। बुलबुल गोकुलधाम में होती तो हमें मिल जाती, हमने उसे हर जगह देखा, फिर वो हमें मिली क्यों नहीं? आखिर कहाँ है बुलबुल? ऐसे पूरा घर अस्त व्यस्त था, घर में औरत नहीं होगी तो घर ऐसे ही होगा ना। चलो ठीक ठाक लगा देते हैं अब सब। प्रहलाद क्या आवाज कर रहे हो?
बाबरदाल मेरे को शान जैसे प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं करने देगा। बाबरदाल अरे क्या आवाज कर रहे तुम? बाबरदाल क्या गिरा दिया? पोपड़लाल ऐसे नहीं मानेगा। कम मैं All the best for your interview, okay? Bye. पोपड़लाल, ओ पोपड़लाल। क्या हुआ? अरे बबीता मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। अरे पोपड़लाल के घर से कितना आवाज आ रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है वो ऊपर। पोपड़लाल, ओ पोपड़लाल। पोपड़लाल, ओ पोपड़लाल। हाँ बोलो यार भाई। अरे पोपड़लाल तुम नीचे? फिर तुम्हारे घर पे कौन है? मतलब? मतलब कब से तुम्हारे घर में से कुछ न कुछ आवाज आ रहा है? वो चूहे होंगे। तो आजकल हमारी विंग में चूहे कितने बढ़ गए हैं, परेशान कर दिया चूहों ने। आज ही चूहे का पिंजरा लाना पड़ेगा। वो चूहों ने कुछ गिराया होगा। पोपड़लाल तुम्हारे घर से सिर्फ गिरने का ही आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा भारी सामान हटाने का आवाज भी आ रहा है। अरे चूहे कुछ गिरा सकते हैं, लेकिन भारी सामान थोड़ी हटा सकते हैं। हाँ। क्या यार भाई, क्या क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं घर पर नहीं हूँ तो ऐसी आवाज कैसे आ सकती? अरे हाँ याद आया, वो एक्चुअली टेरेस पे कुछ काम चल रहा है। सुबह मैं जब घर से निकला ना तो मुझे भी आवाज आ रही थी। हाँ पोपड़लाल, लेकिन टेरेस और मेरे घर के बीच में तुम्हारा घर आता है, तो मेरे घर पे डायरेक्ट टेरेस का आवाज कैसे आ सकता है? बबीता जी, अय्यर भाई को क्या हो गया आज? अचानक साइंटिस्ट से जासूस क्यों हो गए? पोपड़लाल, अरे अय्यर भाई आप साइंटिस्ट हो, आप खोजो कि आवाज क्यों, कब, कैसे और कहां से आ रही है। पोपड़लाल एक मिनट अय्यर भाई। बबीता जी सॉरी, एक्चुअली मैं वो आपके कजिन को आज मदद नहीं कर पाया। वो पोपट भाई सब कुछ मैनेज हो गया था, सो इट्स ऑल ओके नाउ। या थैंक यू। अरे अय्यर भाई आप चिंता मत करो, मैं ऊपर टेरेस पर जाकर आवाज बंद करवाता हूँ। ओके प्लीज। थैंक यू। पप्पू किथे? घर। वो तो मुझे भी पता है, पर किधर से आ रहा है? वो मार्केट गया था। शॉपिंग वॉपिंग करके आया है? और जरा मैं भी तो देखूं क्या क्या शॉपिंग की है। नहीं कुछ नहीं, सॉरी, वो थोड़ा खाने पीने का सामान है। ये खाने पीने का सामान है? क्या लाए हो भाई पोपटलाल? कुछ खास नहीं, वो थोड़े बहुत फल है, वो एप्पल, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे टेस्ट तो कराओ। अरे हाथी भाई, स्ट्रॉबेरी में क्या टेस्ट करना, वो स्ट्रॉबेरी होती है ना लाल कलर की, बस वैसी स्ट्रॉबेरी है। मुझे पता है भाई, मेरा फेवरेट है, टेस्ट कराओ ना। खिलाओ। अरे अरे हाथी भाई, क्या ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। हाथी भाई आप डॉक्टर है, गब्बर नहीं। ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। अरे सॉरी हाथी भाई को बोल रहा। अब पप्पू दोस्ती में ऐसी मस्ती चलती है। अरे 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 इसमें स्ट्रॉबेरी कहाँ है? ये तो स्ट्रॉबेरी कलर के लेडीज के कपड़े हैं। कर दिया हाथी भाई आपने। अरे तुमने क्या कर दिया भाई, स्ट्रॉबेरी किधर है? पोपू वो तूने कब से लड़कियों के कपड़े पहनने शुरू कर दिए? ये सब मेरे लिए नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है आज, फिर से फंस गया। ओ ये लड़की के कपड़े है, ये मेकअप का सामान, ये सब की है? पोपटलाल ये सब किसके लिए है? मेरे घर पर मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसकी कल सगाई है, तो उसको गिफ्ट देने के लिए ये सारा सामान लाया। तो पोपटलाल इसमें शर्मा क्यों रहे थे, और ये क्यों बोला कि इसमें स्ट्रॉबेरी है? और नहीं तो की एक मिनट आती भाई, पोपट भाई आपने मुझे मॉल में देखा था ना, तो फिर मुझे देखकर अब छुप क्यों गए? उदया भाभी की गल कर रही हो? ओ पप्पू वो तो दया भाभी को देखकर छुप क्यों गया था? इंसान छिपता तभी है जब उसके मन में कुछ खोट हो। हाँ दो जवाब, जवाब दो। बोलिए पोपट भाई। बोलो बोलो पोपटलाल। सॉरी दया भाभी, मैं आपको सच बता ही देता हूँ,
वो मैं ऑफिस की लड़की के लिए वो ड्रेस और ये सब सामान ले रहा था ना, मुझे लगा आप अगर देख लेती तो फिर मेरा मजाक उड़ता कि मैं जेंट्स होकर लेडीज का सामान खरीद रहा हूँ, इसलिए। ओहो पोपट भाई, इसमें शर्मा ना क्या? अपू अपू, तू तेरी ऑफिस की लड़की के लिए ड्रेस ले रहा था, वो खुद थोड़ी पहन के जा रहा था जो हम तेरा मजाक उड़ाएंगे। सही बात है। क्या पोपट भाई, आप एकदम भोले हो। सही बात है। माफ करना दया भाभी, सोड़ी हाथी भाई, आप सबसे झूठ बोल रहा हूँ, मजबूरी है। चलिए मैं चलती हूँ। अरे वाह, कहीं खाना बन रहा है। पोपट भाई, ये तो आपके घर से कुकर के सीटी की आवाज आ रही है। अरे पोपटलाल, तुम यहाँ हो तो तुम्हारे घर में कुकर की सीटी कैसे बज रही है? क्या हूँ? मर गए। ये भगवान, ये बुलबुल घर पे कर क्या रही है? बोलो भाई। अपू, और कहीं तो कुकर गैस पे रखे शॉपिंग के लिए तो नहीं निकल गया था? ऐसा ही हुआ, वो मैं कुकर गैस पर चढ़ाकर वो धीमी आंच पे रखकर वो शॉपिंग के लिए निकल गया था। अरे तो जल्दी चाहिए, गैस बंद कीजिए, जल्दी चाहिए, जल्दी। अरे खाना मत चला भाई, और जल्दी से शादी कर ले, ये सब टेंशन वेंशन दूर हो जाएगा। पता नहीं बुलबुल क्या कर रही है। बुलबुल, क्या करती हो तुम? इतनी आवाजें आ रही थी घर से, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पोपट लाल तुम घर पर नहीं हो तो इतनी आवाजें कहां से आ रही है? कभी कुछ गिरने की आवाज आ रही है, कभी सामान सरकाने की आवाज आ रही है, तो कभी कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। क्या जवाब दूं मैं उनको? पता है कितनी मुश्किल से लोगों को समझाया मैंने, कभी किसी को शक हो गया और किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सॉरी पत्रकार जी, हमारे तो ध्यान में ही नहीं रहा। देखो 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 बुलबुल, सॉरी सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। देखो तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझसे भी ये गलती हो सकती थी। देखो प्लीज रोना बंद कर दो वरना मैं रो दूंगा। प्लीज रोना बंद कर दो, मुस्कुराओ, स्माइल स्माइल प्लीज। ये हुई ना बात। क्या बात है। अरे बुलबुल, ये तो घर की शक्ल ही बदल गई, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। ये आपका ही घर है। पानी है? बुलबुल, मैंने हमेशा ये सपना देखा था कि शादी के बाद मैं जब भी थका हारा घर लौटूं तो मेरी पत्नी प्यार से मेरे लिए पानी का गिलास लिए खड़ी हो। आज तुमने वो सपना पूरा कर दिया। थैंक यू। बुलबुल, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? हाँ। कौन है वो? बोलो ना, शर्माओ मत, बोल दो। वो बोलो बोलो। हमारे हाथ से फ्लावर पॉट टूट गया। हाँ तो कोई बात नहीं। उसमें क्या टूटता है वो तो। और कुछ बोलना है तुम्हें? हाँ तो बोलो। वो हाँ बोलो। सामान की लिस्ट दी थी आपको।
हाँ मैं तो भूल ही गया था, अभी लाया। ये देखो, अरे तुमने सारा जितना भी सामान मंगवाया था ना सब लेकर आया होगा, चेक कर लो तुम, है ना, कुछ रह तो नहीं गया। इतने सारे ड्रेस बहुत सुंदर है, थैंक यू। पति पत्नी के रिश्ते में थैंक यू के लिए कोई जगह होती है? सॉरी। अच्छा, सॉरी के लिए जगह होती है? नहीं, सॉरी। फोन। हम देख लेते हैं। ओके। क्या बात है? तुम मत उठाना। हाँ। किसी सात जन्म मैरिज ब्यूरो से फोन है। अच्छा? हेलो। हेलो पोपटलाल जी। यस, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अच्छा? आपकी डिटेल्स हमने लड़कियों को भेजी थी ना, उसमें से मुंबई से ही एक लड़की कस्तूरी कोतियाल का पॉजिटिव रिप्लाई आया है। आपकी फोटो भी पसंद आई है। उनकी तरफ से 80% बात हाँ है। कहिए कब की मीटिंग रखनी है? सॉरी, आप लोग लेट हो चुके हैं। हाँ? मेरी शादी, मैं कस्तूरी कोटियाल से शादी नहीं कर सकता अब। वो मैंने हमारी कुंडली हमारे पंडित जी को दिखाई है, वो मैच नहीं करती। ओके बाय। क्या यार टप्पू, आज टीचर ने होमवर्क में पत्रकार पे ऐसे लिखने बोला है। तो सिंपल है, पोपट अंकल को सामने बिठाते हैं, पोपट अंकल पत्रकार है ना, और उनको देखकर ऐसे लिख दो। क्या गोगी कुछ भी बोल रहा है, स्केच नहीं बनाना है, ऐसे लिखना है ऐसे। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट। बोल। पत्रकार समाज का आईना होता है, लेकिन ऐसा आईना जिसमें कोई अपना चेहरा भी नहीं देख पाता। ये गोगी को होमवर्क नहीं मिला ना, इसलिए उसे मजाक सूझ रहा है। हाँ, और फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट, पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर सच को समाज के सामने लाते हैं और दुनिया हिला देते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट, पत्रकार के कलम में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। अरे कैसी बात कर रही हो, तुम पत्रकार पोपटलाल की पत्नी हो, अब से तुम्हारे सारे टेंशन कैंसल। हाँ, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हुई थी उसका क्या? एक्चुअली अब यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो क्यों ना हम किसी होटल या रिसोर्ट में चले जाए। हाँ, ये हो सकता है। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट, पत्रकार कुंवारे होते हैं, उनकी जल्दी शादी नहीं होती। गुगी, सोच समझ के बोला कर। अरे सोच समझ के ही तो बोल रहा हूँ, पोपट अंकल पत्रकार है और उनकी शादी थोड़ी ना हुई है। गुगी, पोपट अंकल की शादी नहीं हुई इसका ये मतलब नहीं कि सारे पत्रकार कुंवारे होते। वही तो। और हाँ, सारे पत्रकारों के पास पोपट अंकल के जैसे छाता भी नहीं होता। चलो पैकिंग कर लेते। पैकिंग बाद में, पहले खाना खा लीजिए। आपको भूख लगी होगी ना, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। हाँ, भूख तो बहुत लगी है। तो चलिए खाना तैयार है। आई, गर्मा गर्म खाना तैयार है, बैठे। ये सब खाना हमने हमारे हाथों से बनाया है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। तो शुरू कीजिए ना। हाँ, जरूर। एक मिनट। अब शुरू कीजिए। वाह वाह, कमाल कमाल खाना है, मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है। वर्षों बाद आज ऐसा खाना खा रहा हूं मैं। सच में तुम भी दया भाभी की तरह अन्नपूर्णा। अरे बुलबुल, तुम भी बैठो ना।
नहीं नहीं आप खाइए, हम बाद में खा लेंगे। अरे ऐसे कैसे, नहीं बैठो, तुम्हें भी खाना खाना ही पड़ेगा। ठीक है हम प्लेट लेके आते हैं। अरे नहीं 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 बैठो बैठो यहीं बैठो जी, दूसरी प्लेट की जरूरत नहीं है, हम इसी प्लेट में खाते हैं। चलो थैंक यू। अरे ये टप्पू क्या लिखे है यार, तो आधा पेज भी नहीं भरा है और हम लोग सब इतने कंफ्यूज हो रहे हैं। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, हम पोपट अंकल के पास ही जाते हैं और उनको बोलता है कि पत्रकारों के बारे में कुछ पॉइंट्स बता दें। गुड आइडिया, सुनो करेक्ट, उस बहाने थोड़ा नाश्ता भी मिल जाएगा। ऐसे तो बुलबुल ये शर्ट भी रख लो। क्या बात है पत्रकार जी, आप तो बड़े ही रंगीन मिजाज है। हाँ नहीं अब हो गया हूँ। अब कौन आया होगा? नहीं। अरे ये तो टप्पू सेना है, हमारी सोसाइटी के बच्चे। तुम एक काम करो अंदर के कमरे में छुप जाओ। हाँ। नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, हाँ? अंदर के कमरे में वो लोग आ सकते हैं, तुम बाथरूम में छुप जाओ। हाँ, आ रहा हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। क्या क्या हुआ? वाओ पोपट अंकल आपका घर कितना बदला बदला सा लग रहा है। हाँ हाँ पोपट अंकल, पहली बार आपका घर एकदम परफेक्ट लग रहा है। थैंक यू। वो बच्चों मेरे सर में अभी बहुत दर्द है, आप लोग बाद में आना। पापा को बोलो। नहीं नहीं उतना दर्द भी नहीं है, बताओ कैसे आना हुआ? पोपट अंकल आप हमारे फेवरेट अंकल हो। तो पोपट अंकल हम आपके घर पे बिना किसी काम के नहीं आ सकते? नहीं 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 बिल्कुल आ सकते हो, मतलब अभी आप लोग बिना काम के आए हो? नहीं नहीं काम से आए। तो बताओ ना बेटा क्या काम से आए हो? पोपट अंकल हमें पत्रकार के जीवन पर एक निबंध लिखना है, तो क्या आप हमारी मदद करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अभी लेकिन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों की मदद। पोपट अंकल पत्रकार समाज का जागरूक नागरिक होता है, वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वाह 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 गुली, क्या लाइन बोली, लिख 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 लिख। अरे हाँ यार। हाँ तब लिख जल्दी। हो गया ऐसे, चलो ओके। नहीं नहीं पोपट अंकल आप लिखवाइए ना। बेटा आप लोगों को ऐसे कब तक सबमिट करना? मंडे तक। तो अभी बहुत टाइम है, मैं आप लोगों को बाद में लिखवा दूंगा, और अगर मैं किसी कारण से घर पर नहीं रहा ना तो फोन पे लिखवा दूंगा, ठीक है? ओके बाय। क्या हुआ पोपट अंकल, घर आए हुए मेहमान को नाश्ता खिलाना हमारी परंपरा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल गोली, लेकिन क्या है अभी घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग एक काम करो, अब्दुल की दुकान पर जाओ, वहां से खाने के लिए जो चाहिए वो ले लो, और अब्दुल से कह देना कि पोपट अंकल के खाते में लिख दो। ओके ओके पोपट अंकल। ओके बाय। एक सेकंड फ्रेंड्स। अब क्या हुआ? मुझे जरा बाथरूम जाना है। अरे 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 बेटा रुक। नहीं बेटा अभी तुम हमारे घर पर बाथरूम नहीं जा सकते। क्यों? तो हमारे घर के बाथरूम का दरवाजा अभी अंदर से बंद है। अंदर से बंद है? मेरा मतलब है वो हमारे घर के बाथरूम का दरवाजा वो अंदर से फंस चुका है। ओ, तो हम आपकी मदद करें? हाँ, चलो। अरे नहीं 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 बेटा दरवाजा तोड़ना नहीं है खुलवाना है, मैंने कारीगर को बुलाया है वो अभी आ ही रहा होगा, तुम अपने घर पर जाके बाथरूम करना। ओके बाय बेटा बाय।
हमने चलो बुलबुल 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 हाँ गए गए। एक काम करते हैं, मैं अभी बैग निकाल लेता हूँ, सारी पैकिंग करके जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाते हैं। देखो अब और यहाँ रुकना बहुत रिस्की है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैं अभी आता हूँ। ओ सेठ जी। हाँ सेठ जी। वाह, आप दुकान में तो पूरा दिन टीवी देखते ही है, अभी गोडाउन में भी चालू हो गए? नहीं नहीं सेठ जी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। तो क्या टीवी आपको देख रहा है? नहीं नहीं सेठ जी, कितने दिनों से एक बिगड़ा हुआ पुराना टीवी गोडाउन में पड़ा था, तो मैंने सोचा उसे रिपेयर करके चालू कर दूं। तो क्या है, आपको कभी गोडाउन में बैठ के टीवी देखने का मन हुआ तो आप टीवी देख सकते हो। अच्छा, चालू हो गया टीवी? हाँ सेठ जी, और एक पुराने टीवी का रिमोट पड़ा था वो भी उसके साथ चालू हो गया। शाबाश, सब चालू हो गए ना? तभी सबको बंद कर दो, बाहर दुकान चालू है वहां जाकर काम चालू करो। जी नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रीटा रिपोर्टर कल तक से ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर। अरे बंद क्यों किया, चालू कर। इलाहाबाद शहर के बलदेव सिंह जी की बेटी बुलबुल का अभी तक कोई भी अता पता नहीं चला है, जिस कारण से सर्दी के मौसम में भी उनके गुस्से का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर बुलबुल है कहाँ, अभी तक बुलबुल की कोई भी खबर नहीं है। बलदेव सिंह जी ने सबके सामने इस बात का ऐलान किया है कि वो अपनी बेटी बुलबुल की शादी कल तक करा के ही रहेंगे, पर सवाल ये उठता है कि क्या कल तक बुलबुल मिल पाएगी, क्या कल तक बुलबुल की शादी हो पाएगी, क्या कल तक बलदेव सिंह जी पूरे इलाहाबाद शहर के सामने अपनी इज्जत बचा पाएंगे। पूरे इलाहाबाद शहर में यही सारे सवाल गूंज रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, रीटा रिपोर्टर के साथ देखते रहिए कल तक। इलाहाबाद कहाँ, मुंबई कहाँ, मुंबई में गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ, ना लेना ना देना है बुलबुल को ढूंढने पुलिस गोकुलधाम सोसाइटी में आ गई। बोलो बंद कर भाई, बंद कर। बागा बागा, तुझसे कोई मिलने आया है। मुझसे कौन मिलने आया है? गैस। गैस? अरे गैस कैसे मिलने आ सकता है, गैस वाला होगा। वाला नहीं वाली है। गैस वाली? वाह, लगता है अभी सरकार हर क्षेत्र में लेडीज लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। देखो ना रास्ते पे भी हो, ट्रैफिक पुलिस के काम में भी कितनी सारी लेडीज नजर आती है। लेकिन सेठ जी, गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए लेडीज, गैस से भरा हुआ भारी सिलेंडर लेडीज उठाती कैसे होगी? नहीं नहीं उठा लेते हैं भाई, मेरी दाई एक हाथ से गैस सिलेंडर उठा लेती है। बताइए ना नटू काका, गैस वाली मुझसे मिलने क्यों आई है? गैस वाली नहीं, भैंस वाली आई है बागेश्वर जी। ओ बावरी जी, भैंस वाली? हाँ, हमारे गांव में हमारे घर में बहुत सारी भैंसे हैं, इसीलिए मैं भैंस वाली। अच्छा, नमस्ते पेठालाल जी। अरे पेठालाल नहीं, मेरा नाम जेठा। खैर छोड़ो छोड़ो, मेरा नाम छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे आई? स्कूटी पर। अरे मेरा मतलब है यहाँ क्यों आई, कैसे आना हुआ? अरे मेरे मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है। आप देखेंगे बागेश्वर जी, क्या प्रॉब्लम हो गई है? हाँ हाँ जरूर, मेरा तो यही काम है। एक मिनट सेठ जी, मैं चलूं? कहाँ, घर? नहीं नहीं दुकान में। वो बुलबुल घर से भाग गई है ना, वो न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है। अरे वो बुलबुल की तो बात ही मत कीजिए नटू काका, घर से वो भागी है लेकिन परेशान हम सबको कर दिया है। कल रात को पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते गोकुलधाम सोसाइटी में आ गई थी, सबके घर की तलाशी ली। अरे बाप रे, ये आजकल के बच्चे बिना सेठ जी बिना सोचे समझे घर से भाग जाते हैं। नट्टू काका, उस बेचारी की जरूर कोई मजबूरी रही होगी, अगर उसके परिवार वाले उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और करवाएंगे तो भाग ही जाएगी ना। मतलब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम भी घर से भाग जाओगी? हाँ बिल्कुल, किसी गोडाउन में छुप जाऊंगी। ओ खबरदार, मेरे गोडाउन पर नजर डाली है तो तू यहाँ कांदा छुपा के गई थी तो कितना बड़ा बबल हो गया था, अभी तू खुद यहाँ छुप जाएगी तो फिर मुझे ये देश छोड़ के किसी और देश में छुपना पड़ेगा। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं यहाँ छुपूंगी,
वैसे आइडिया बना नहीं है। अरे भाई बागा, मोबाइल हुआ क्या? नहीं। हाँ हाँ सेठ जी, कब का? तो देना है, छोड़। ये लीजिए। थैंक यू। कितने पैसे हुए? नहीं नहीं, सिर्फ सेटिंग्स चेंज हो गए थे, उसमें कैसे पैसे? हाँ, और अपनों से पैसे कैसे? पर मैं बाद में पैसे देने जरूर आऊंगी। बाय 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 बाय। बागा, ये थोड़ी अलग है। नहीं, ओ अलग छता लगो, अलग धंधे पे ध्यान दीजिए वरना आप मुझसे अलग हो जाओगे। सॉरी, कम बागा। अरे मिट्टू काका, हाथ क्यों पकड़ रहे हो? ताकि हम दोनों अलग न हो जाएं। अरे कुंभ के मेले में थोड़ी घूम रहे हो, चलो भाई चलो, छोड़ो हाथ, छोड़ो चलो। ये नट्टू काका और बागा कम थे जब ये पावली, मेरा मतलब बावरी आ गई परेशान करने, और दूसरी तरफ बुलबुल की वजह से पुलिस परेशान कर रही है, और जब तक पोपटलाल की शादी नहीं हो जाती तब तक उसकी परेशानी तो चालू ही है। जिधर देखो उधर परेशानी परेशानी, सर चकरा गया मेरा तो। आज घर जाके दया से मस्त सर की मालिश करवानी पड़ेगी। चलो टप्पू के पापा, बस हो गया, खुश। वाह दया वाह, मजा आ गया, आज तो तूने सर खुश कर दिया। सर खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया ऐसा सुना है, लेकिन सर खुश कर दिया कुछ नया है। लाया लाया बॉस लाया है ना। तो चल आज मैं भी तुझे खुश करना चाहता हूँ। मांग, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, मांग क्या चाहिए बोल। मुझे चाहिए, हाँ हाँ याद आया, हम उंडा। अरे भाई सॉरी 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 सॉरी, बराबर है। हाँ हाँ हाँ, दया अहमदाबाद जाने के अलावा और कुछ भी मांग। क्या टप्पू के पापा आप भी प्लीज प्लीज। मैं सोचती हूँ क्या। हाँ हाँ हाँ, टप्पू के पापा लिपस्टिक नेल पॉलिश और बिंदी ऐसे सब चाहिए। मांग मांग के क्या मांग रही है दया? लिपस्टिक नेल पॉलिश बिंदिया, ये कोई गिफ्ट में देने की चीज है? हंस तो वही। अरे लेडीज लोगों को ये सब देते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कोई जेंट्स गिफ्ट में ये लिपस्टिक और नेल पॉलिश और ये सब देता होगा। अरे देते हैं। कौन? पोपट भाई। पोपट भाई, उनकी ऑफिस में एक लड़की है, उसकी रिसीव हैप्पी बर्थडे आने वाली है, तो पोपट भाई उसे गिफ्ट में ये नेल पॉलिश बिंदी लिपस्टिक ऐसे सब चीजें देने वाले हैं। आप कभी भी मेरे लिए ऐसे गिफ्ट नहीं लाते। अरे भाई पोपट लाल तो लाएगा ही ना। क्यों क्यों भला? क्योंकि वो अभी तक कुंवारा है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक ये सब बेवला वेड़ा करता रहेगा। एक बार उसकी शादी हो जाने दे, फिर मैं भी देखता हूँ कितनी बार वो लिपस्टिक और ये सब लेकर आता है। ऐसा कुछ नहीं होता, अगर पति अपनी पत्नी को दिल से चाहता हो तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे गिफ्ट जरूर लाते हैं। तू क्या कहना क्या चाहते है? मैं तुझे दिल से नहीं चाहता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है, पर दया मस्त सर की मालिश करके तूने मेरा सर हल्का कर दिया है, अभी उसको भारी मत कर। तू आराम से या शांति से बैठ के सोच तुझे क्या गिफ्ट चाहिए, तब तक मैं सोडा पी के अपने गले और पेट को खुश करके आता हूँ, ठीक है? बाय। अरे भाई भीड़, कल सुबह 10 बजे तुझे पुलिस स्टेशन जाना है। क्यों? एक मिनट बताता हूँ मेहता साहब, वो बलदेव की बेटी का नाम क्या? वो बुलबुल। हाँ बुलबुल गुल हो गई है ना,
वो नहीं पुलिस आई थी उसको ढूंढते हुए हमारी सोसाइटी में। हाँ? तो उनको शक है कि अभी भी वो सोसाइटी में है और हमने से किसी ने उसको छुपाने में मदद की है। तो उसी सिलसिले में तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया कल। लेकिन मुझे क्यों बुलाया है? अरे भाई, क्योंकि आप सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी हैं भिड़े साहब, तो पुलिस तो आप ही से पूछताछ करेगी ना। भिड़े मास्टर, अब तुम पुलिस स्टेशन जा ही रहे हो तो रास्ते में 3-4 मिठाइयों की दुकान है, तो हर दुकान से श्रीखंड टेस्ट करते हुए जाना। मान लो अगर तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो आते आते जहाँ का श्रीखंड बेस्ट लगे वहाँ से मेरे लिए 5 किलो लेके आना, मेरा श्रीखंड खाने का बहुत मन कर रहा है। बोलता है क्या हाथी भाई? अरे आदवाराम, तुम टेंशन मत लो, ये सब लोग तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। ओ बिडू डर गया। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, I am serious, मेरा बहुत मन कर रहा है श्रीखंड खाने को। हाथी भाई, आपको जितना चाहिए श्रीखंड मैं लाके दूंगा बस। जेठालाल क्या मजाक कर रहे हो, कोई मजाक करने का वक्त है? हाँ तो तुम बताओ भाई, कौन से वक्त पे मजाक करो, बोला कुटला टाइम आने अपन करो मजाक। जेठालाल मजाक नहीं, और मेहता साहब आप क्या ताली मार रहे हो? तो अभी क्या ताली मारने के लिए तुम्हारा टाइम फिक्स होगा को जा। बोलने तो पॉइंट नहीं। अरे आज पोपट भाई नहीं आए? पोपट भाई को फोन करो भाई, देखो उनकी तबीयत तो ठीक है ना। अब्दुल का फोन। हाँ बोल अब्दुल। एक मिनट अब्दुल, जरा टीवी बंद करने दे मुझे। हाँ आप बोल। पोपट भाई आप कहाँ हो? घर पर। आज आप आए नहीं सोडा पीने के लिए? सब लोग आपको याद कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, वो बहुत थक गया हूँ तो अभी बस सोने जा रहा हूँ। अरे पोपट ऐसा क्या कर रहे हैं? क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे कि वो नहीं आ रहे। अरे पोपट लाल भाई आजा आजा, तुम्हारे बिगड़े दर महफिल जम नहीं रही है भाई। हाँ आजा भाई, सगे माजा पोपट करते। देखो भिड़े बोल रहे कि सब मिलके मेरा पोपट कर रहे। जेठालाल। अरे भाई क्या जेठालाल, आजा आजा आजा, तुम आते हो कि हम सब आए तुम्हें घर पे लेने के लिए? नहीं नहीं नहीं, आप लोग बताना, मैं वहां आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जा रहा है? अरे यार बुलबुल, मुझे अब्दुल की दुकान पर जाना ही पड़ेगा, मेरे गोकुलधाम के दोस्तों का कोई भरोसा नहीं, वो लोग अगर यहाँ आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है आप जल्दी जाइए। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्तों, हम सब दोस्तों में सबसे ज्यादा सुखी कोई है तू पोपटला। क्यों? अरे कुंवारा जो ठहरा। हाँ ये सही काम है था सब आपने, उसकी शादी नहीं हुई है ना। अच्छा चलो, ये आपके विचार में जरा माधवी भाभी को बता देता हूँ। जेठालाल मजाक नहीं, मजाक नहीं, तुम्हारे लिए मजाक होगा लेकिन माधवी मेरा सर खा जाएगी। सर पे बाल नहीं है तो सर ही खाना पड़ेगा ना। जेठालाल ये कहावत होती है कि सर खा जाएगी, ऐसे कभी कहावत सुनी है कि बाल खा जाएगी? नहीं नहीं, पर ये जरूर सुनी है कहावत, बाल की खाल निकाल ला। बहुत सीरियस हो गया आज। लो भाई पप्पू भी आ गए। कौन बुलबुल? अरे भाई बुलबुल वो लड़की, तुम सोच रहे हो कि पोपटलाल के उसे शादी करने का मौका था, चांस था, तो शादी छोड़ के भाग के आ गई, और तुम शादी करना चाहते हो लेकिन चांस नहीं मिलता, तो टेंशन तो होगा ना। बराबर बराबर बराबर, मैं यही सोच रहा था। ले जेठालाल, तुम पुलिस को याद कर रहे थे, पुलिस आ गई। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, मिली बुलबुल मिली? यही तो हम जानने आए, क्या आप में से किसी ने उसे देखा है? नहीं। क्योंकि वो लड़की बुलबुल यहीं कहीं देखी गई है, अगर आप में से कोई भी उसके बारे में कुछ भी जानता हो तो हमें सच सच बता दे, क्योंकि उसका बाप अलाहाबाद से यहाँ मुंबई आ चुका है और
हम पर बुलबुल को ढूंढने का बहुत प्रेशर है। अगर किसी ने भी झूठ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे अरे अय्यर भाई क्या कर रहे हैं, जरा हाथ संभालिए अपना। क्या मेरा हाथ? मैंने क्या किया? आपका हाथ लगा इसीलिए तो ग्लास गिर गया। अरे क्या है पोपड़ लाल कुछ भी बोलते। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी अब्दुल, सॉरी। दूसरा बनाया उसने क्या? देखिए आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि ये मैटर कितना सीरियस है। हमें जल्द से जल्द उस लड़की बुलबुल को ढूंढना है। अगर आप में से किसी को भी उसके बारे में कोई भी खबर मिले तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। जी जी जरूर जरूर बिल्कुल। बुलबुल बुलबुल क्या हुआ? ससुर जी तुम्हें ढूंढते हुए इलाहाबाद से मुंबई तक आ गए। क्या? भगवान अब क्या होगा? अगर पापा ने हमें ढूंढ लिया तो वो फोन के पसंद के लड़के से हमारी शादी करा देंगे। हमारी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। पत्रकार जी वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कैसे लाइफ बर्बाद हो जाएगी? ऐसे कैसे वो दूसरी जगह तुम्हारी शादी कर देंगे? बुलबुल अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर ससुर जी ने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। पत्रकार जी हमें दुनिया हिलानी नहीं, हमारी दुनिया बसानी है। हाँ हमने आपसे कहा था ना, हमारे पापा बहुत ही पहुंची हुई चीज है, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अरे वो बाहुबली है, बाहुबली। सब पुलिस पॉलिटिक्स पावर सब ताकत है उनके पास। वो कुछ भी करके हमें ढूंढ लेंगे। आप जानते नहीं उन्हें, वो तूफान है तूफान। हम दोनों को तो ऐसे तिनके की तरह उड़ा देंगे वो। हाँ इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम उनके सामने नहीं जाए। हाँ यू आर राइट बुलबुल। लाइफ लाइन जीवन साथी हो तो इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोक देता है। थैंक यू। तो हम आज रात को यहाँ से निकल जाते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी में सब सो जाएंगे ना तो हम पीछे के रास्ते से भाग जाएंगे। मैं जरा बालकनी में जाकर देख कर आता हूँ।